हाल हैं आप सब की, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम अब्दुल अजीज है और मैंने YouTube चैनल बनाने का सोचा इंशाल्लाह, और उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह आपको आने वाले दिन में YouTube पे वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा जो कि तुर्की के हवाले से इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगी इंशाल्लाह। मेरा पेज एक फेसबुक पे पाक इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ कंपनीज के नाम से, और मेरा एक ग्रुप भी है फेसबुक पे फॉरनर सोल्यूशन इन इस्तंबुल के नाम से। तो वहाँ पर मैंने भी रिसेंटली करंट टाइम के हवाले से कुछ एक दो वीडियोस बनाकर डाली थी, जिस पर लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट करा। तो मैंने सोचा कि मैं मज़ीद कुछ वीडियोस अपलोड करूँ इंशाल्लाह यूट्यूब पर। आजकल ज़्यादातर जो सवाल मुझसे लोग कर रहे हैं वो नफूस के हवाले से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नफूस की वीडियो मैंने कुछ टाइम पहले डाली थी अपने पेज पर, वो बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी वजह से लोगों की बहुत सारी सारी परेशानियां जो है वो बढ़ी थी। पाकिस्तान में भी कुछ लोग मौजूद थे जिनके पास तुर्की का रेजिडेंट परमिट कार्ड था, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो तुर्की में ही रिहायश पज़ीर हैं बट उन्होंने अपना एड्रेस मेंशन नहीं कराया था, जिसको नफूस बोलते हैं। तो वो काफ़ी परेशान हुए उस न्यूज़ को सुनने के बाद, और काफ़ी सारे सवाल लोगों के हमारे पास आए कि हम नफूस किस तरह करवा सकते हैं, उसके क्या तरीक़ेकार है, उसमें कितने पैसे खर्च होते हैं। लोगों ने ये भी पूछा आप हमारा नफूस करवा सकते हैं, लोग इस तरह के भी सवाल कर रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में प्रॉपर मालूम नहीं थी। तो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसको बनाने का मकसद ही मेरा यही है कि मैं आपको नफूस किस तरह आप करवा सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होता है, क्या तरीक़ेकार होता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नफूस हो रहा है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नफूस नहीं हो रहा, उस वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें आपको बताऊँगा किस तरह आप करवा सकते हैं इंशाल्लाह। बहुत सारे लोगों ने हमें सवाल किए कि हम अपना एड्रेस तुर्की के अंदर किस तरह करवा सकते हैं, और किस तरह क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, इसमें कितने पैसे खर्च होते हैं, क्या तरीक़ेकार है। लोगों को प्रॉपर मालूम पता नहीं है, शायद सवाल से लोग परेशानी बहुत ज़्यादा हुए, और ख़ासतौर पर ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो तुर्की में नए आए होते हैं, उनको इस चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होती। तो आज वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका मकसद यही है कि मैं आपको इसमें पूरा गाइड कर सकूँ कि आप तुर्की में नफूस एड्रेस पोजिशन किस तरह करवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। देखिए, सब नफूस करवाने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि नफूस है क्या चीज़। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो लोग यहाँ पर नए आए हैं, उनको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि नफूस या एप्लीकेशन क्यों करवाई जाती है और इसके फ़ायदे क्या हैं और क्यों बोलते हैं कि आप नफूस करवा लो। नफूस एड्रेस पोजिशन बेसिकली ये होता है कि जब आपके पास रेजिडेंट परमिट कार्ड आ जाता है तो आप जिस घर में रह रहे होते हैं तो वहाँ की बल्दिया ऑफिस में आप जाके अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जिसके बाद इनके सिस्टम में आ जाता है कि आप तुर्की के अंदर किस डिस्ट्रिक्ट में, किस मोहल्ले में, किस जगह पर आप रहते हैं। और नफूस कराने के थोड़े से मैं आपको फ़ायदे भी बता देता हूँ कि नफूस कराना ज़रूरी हमारे लिए, फॉरनर्स के लिए ज़रूरी क्यों होता है। नफूस कराना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए होता है कि जब हम नफूस करवा लेते हैं तो अगर हमारे बच्चे हैं और उनको स्कूल में एडमिशन करवाना है तो आपके बच्चों के स्कूल का एडमिशन नफूस के बिना नहीं हो सकता। तुर्की में एडमिशन कराने के जो फ़ायदे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि जब तुर्की में आप एडमिशन करवा लेते हैं तो आपके जो बच्चों, अगर आप बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहते हैं तो अगर आपका नफूस नहीं हुआ, आपका एड्रेस पोजिशन इनके सिस्टम पे नहीं आएगा तो ये आपके बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, क्योंकि जब इनके सिस्टम में आ जाता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में, किस मोहल्ले में रहते हैं, तो उस सिस्टम के तहत आपके बच्चों का ऑटोमेटिक स्कूल जनरेट होता है जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं। अगर आपका नफूस नहीं हुआ होगा तो स्कूल वाले आपको एडमिशन अपने आपके बच्चों को नहीं करने देंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि नफूस का जरूरी इसलिए कि आप यहाँ पर अगर बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बहुत सारे बैंक्स यहाँ पर आपसे एड्रेसेशन मांगते हैं, वो आपसे एक प्रॉपर एड्रेस मांगते हैं कि आपकी रिहाइश यहाँ पर तुर्की के अंदर किस जगह पर है। तीसरा जो नफूस का फ़ायदा सबसे बड़ा वो ये है कि अगर आप नफूस करवा लेते हैं तो आपके इलाके में, हर इलाके के अंदर यहाँ पर एक हॉस्पिटल क्लिनिक टाइप का होता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वहाँ पर आप अपने बच्चों का रूटीन चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। अगर आपका एड्रेस पेशन हुआ हुआ होगा तो जब आप वहाँ जाकर अपना क्लिनिक नंबर डालेंगे तो आपको ऑटोमेटिक वहाँ से अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और उसके लिए अपॉइंटमेंट आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि नफूस के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है, और नफूस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ आपको पेपर वर्क थोड़ा करना पड़ता है। आपको बताता हूँ कि एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन आप जब भी एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको सबसे पहले तो अपने घर का एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होता है जो आपके नाम पर हो। अगर आप एज अ फैमिली रह रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि उस कॉन्ट्रैक्ट पर पूरी फैमिली के नाम हो, अगर फादर का या मदर के नाम पर भी कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है तो एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। आप उसको लेकर अपनी पूरी फैमिली को नफूस एड्रेस में रजिस्टर करवा सकते हैं।
उसके बाद आपको चाहिए था अगर आप घर के ऑनर हैं तो आप टापू की कॉपी ले जाएं सिंपल। उसके बाद आपको सेकंड जो चीज़ चाहिए होगी वो चाहिए होगी आपको अपने घर का कोई भी एक यूटिलिटी बिल, अगर आप एज अ फैमिली रह रहे हैं या अगर आप सिंगल रह रहे हैं तो आपके घर का कोई भी यूटिलिटी बिल, वाटर गैस या इलेक्ट्रिसिटी, वो आपके नाम पर होना ज़रूरी है। तीसरा, आपको आपकी इकामत ओरिजिनल और इकामत की कॉपी चाहिए होगी। चौथा, आपको अपना पासपोर्ट ओरिजिनल और पासपोर्ट की कॉपी, ये चार डॉक्यूमेंट्स आप कॉपी फोटो कॉपी लेकर और ओरिजिनल भी एहतियातन साथ रखें, अगर वो आपसे बोले कि ओरिजिनल हमें दिखा दो तो ओरिजिनल भी आप उनको दिखा सके। इनकी फोटो कॉपीज और फिजिकल अपेयरेंस, यहाँ तक कि अगर आपके साथ इन्फेंट है, कोई छोटा बच्चा है, तो उसके भी फिजिकल अपेयरेंस होती है। सबसे पहले तो आपको ये चार डॉक्यूमेंट्स अपने पास तैयार करने, उसके बाद आप यहाँ पर इनकी वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा वेबसाइट का, उस वेबसाइट पर आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं वहाँ के लिए आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल जाएगी, आपने अपॉइंटमेंट वाले दिन और टाइम पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल अपेयरेंस के साथ नफूस ऑफिस पहुँचना है। वहाँ पर अगर अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे तो आप परेशानी से बचेंगे, 5 या 10 मिनट का मुश्किल से वहाँ पर ये काम होता है। वो आपसे पेपर लेंगे, कंप्यूटर सिस्टम में एंट्री करेंगे और आपको एक पर्ची दे देंगे। समटाइम पर्ची देते भी और समटाइम पर्ची नहीं भी देते, तो आपका नफूस वो लोग उसी वक्त 5 मिनट के अंदर कर देते हैं। बहुत आसानी से अपना नफूस एड्रेसिंग करवा सकते हैं और एड्रेसिंग के आपको फ़ायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे कि मिसाल के तौर पे एक घर के अंदर चार लड़के रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक नाम एक बंदे के नाम पर बना हुआ है, तो बाकी लोग नफूस कैसे कराएंगे, और उन साहब का नफूस हुआ हुआ है तो उसका भी इजी हल है, कोई इतना मुश्किल या परेशानी वाली बात नहीं है। जिन साहब के नाम पर घर का कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है और नफूस हुआ हुआ है, तो वही साहब एक कॉन्ट्रैक्ट और बना लें या फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर नफूस के ऑफिस चले जाए और उनको बता दें कि भाई ये मेरे कज़न हैं या मेरे फ्रेंड हैं या मेरे रिलेटिव हैं या मेरे जानने वाले, और ये भी अब मेरे साथ ही रहते हैं, तो उनका जिनका ऑलरेडी नफूस हुआ है उनके साथ दूसरा बंदा नफूस कमाना चाहता है, वो भी साथ नफूस ऑफिस जाकर सेम प्रोसेस अपॉइंटमेंट लेकर अपना नफूस साथ में उसको रजिस्टर करवा सकता है। उसमें भी कोई इतनी मसले वाली बात नहीं है। असल में वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी, मैं इसको मजीद लंबा नहीं करना चाहता। मेरी कोशिश यही होती है कि वीडियो भले जितनी भी हो उसमें आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके, बट एक इन्फॉर्मेशन मैं आखिर में आपको लाजमी देना चाहूँगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पर फातह ऑफिस और एसएनयूट ऑफिस को जो है वो कहा है कि फर्स्ट टाइम यहाँ से लेकिन लोग जो है वो रेजिडेंट परमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो बहुत सारे लोग रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने के लिए दूसरे एरिए के कॉन्ट्रैक्ट्स भी लगा लेते हैं और रेजिडेंट परमिट मिल जाने के बाद वो एसएनयूट शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो लोग जो फर्स्ट टाइम जिनके पास रेजिडेंट परमिट कार्ड है वो एसएनयूट या फातह का रुख ना करें, क्योंकि अगर वो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आएंगे तो उनका नफूस नहीं होगा। उनके लिए जो फर्स्ट टाइम यहाँ पर रेजिडेंट परमिट अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम रह रहे हैं, तो इन दो डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर नफूस के अंदर बहुत ज़्यादा सख्ती बढ़ा दी गई है, क्योंकि अगर वो इन एरिया के अंदर आने के बाद नफूस करवाना चाहते हैं तो ये जो चार डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताएं, इसके अलावा वो उनसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, उनके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है उसका फॉर्म मांगते हैं, उसके फॉर्म के एड्रेस को वो चेक करते हैं, अगर उस फॉर्म के एड्रेस पे उन्हीं उसी घर का सेम घर का एड्रेस हुआ जिस घर का कॉन्ट्रैक्ट उनके पास, तो फिर तो वो कर देते हैं आपका नफूस, या अगर आप घर के ऑनर हैं मालिक हैं आपके पास सेल डीड है तो वो नफूस कर देते हैं। मगर अगर आपके फॉर्म पर आपने किमलिक अप्लाई करते हुए कहीं और का एड्रेस डाला है और बाद में आप एसएनयू या फातह शिफ्ट हो गए और आप वहाँ जाकर नफूस में अपना एड्रेस रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो आपका नफूस नहीं होगा। तो ये बड़ी अहम इन्फॉर्मेशन है, काइंडली जो नए लोग आ रहे हैं और वो फर्स्ट टाइम अगर किमलिक अप्लाई कर रहे हैं रेंटल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, तो फिर वो एसएनयू का रुख ना करें, वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के अंदर शिफ्ट हों। तुर्की के अंदर इस्तांबुल के अंदर टोटल 39 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें 14 डिस्ट्रिक्ट एशियन साइड पर हैं और 25 डिस्ट्रिक्ट यूरोपियन साइड पर हैं। एसएनयू के करीब 2-3 डिस्ट्रिक्ट लगती हैं, अगर वो एसएनयू के करीब रहना चाहते हैं तो यहाँ पर बैलिक दुसू है, एफजेलार है, व्यूक चेक में जो है, ये 3-4 डिस्ट्रिक्ट बड़ी करीब हैं एसएनयू के। अगर वो चाहते हैं कि इस एरिए के करीब रहें तो इन डिस्ट्रिक्ट का रुख करें, एसएनयू पर वो रेंट पर अपार्टमेंट ना लें जो फर्स्ट टाइम अपनी किमलिक बनवा रहे हैं। तो मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से हासिल हुई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मज़ीद कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके सवालों के मज़ीद जवाब दे सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।